वक्त बदल गया है और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेविली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, शेकन अप इन महाराष्ट्र। देयर स्लोगन वाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रैदर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी नॉट ओनली फेस्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फ्रॉम द अयोध्या सीट बट इट ऑल्सो लॉस्ट बद्रीनाथ इन द लास्ट बाई इलेक्शन। दैट टेक्स मी बैक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको बोल दिया सर। नो नो आप हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टरबेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट, एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे या मुझे? नो प्लीज बैठिए प्लीज। माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेज मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़िए। ए बड़े जंतु, हमी हाथ जंतु, हमी हाथ बड़े प्लीज प्लीज प्लीज। आग्रह करता हूं विनम्र रूप से, मैं आग्रह करता हूं सर उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है सर, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ सर। भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं नहीं, पर माने सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना? एक मिनट माने सदस्य सर, आपने ये सदन का याद दिलाया? माने सदस्य जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल सर। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया सर। एक मिनट एक आदमी ने मौन, एक आदमी ने एक एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए ट्रेजिकली ओवर क्या 700 फार्मर्स डाइड, 700 फार्मर्स डाइड। व्हाट डिड यू डू? यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक 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 हाथ लगे।
मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है नो, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है नो, तो ये चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am giving them, no. I am challenging them to come. आप नो चुनौती मत दीजिए सदन में। Come and debate with me. नो चुनाव ये बाहर चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं। Sir, tea. माने सदस्य for tragedy. माने सदस्य आप tea for tragedy. माने सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी एंड दिस इज द ट्रेजेडी, द एग्जांपल यू ऑल सेट इन द हाउस, दिस इज व्हाई आई से टी फॉर ट्रेजेडी। व्हेन द कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स्ड फ्यू इयर्स अगो, मोदी जी जेस्टेड दैट इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, he said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Yes. Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girder launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and an act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore, train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? Yes. Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022. 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only desh mein janta malik hai, koi neta malik nahi hai. The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand.